तो बच्चों आपका सेल्फ स्टडी के इस चैनल में तो आज की जो वीडियो है वो 11th वीडियो है। आज की जो वोकैब हम स्टार्ट करते हैं, जो पांच जो वोकैब है जो हम कर रहे हैं विद ट्रिक, या कहें कि की के साथ, जिससे आपको आसानी से चीजें याद हो जाएं। तो बिना किसी देरी के आज के जो पांच वर्ड हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है डिंजी, इसको प्रोनंशिएट करते हैं डिंजी, ऐसे प्रोनंशिएट कहते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर। और इसका मतलब होता है धुंधला, इसका मतलब होता है धुंधला। और इस वर्ड को हम याद करेंगे इसी की प्रोनंसिएशन से, इसी की प्रोनंसिएशन यानी डिंजी से हमने याद किया डोन जी। ओके, डोन जी, डिंजी जिसको हमने याद किया डोन जी से, और इसका मतलब होता है धुंधला। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इस वर्ड को समझते हैं। एग्जाम्पल में हम ऐसे समझेंगे कि दोनों ही चीजें आ जाएं, जैसे कि डोन जी ने बम फेंक कर धुंधला कर दिया। ओके, डॉन जी ने बम फेंक कर सब कुछ धुंधला कर दिया, या फिर धुंधला कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों ही चीजें आ गई, डॉन जी की भी आ गई और उसका मतलब धुंधला यहां पर मीनिंग भी आ गया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। पहला वर्ड हो जाता है खत्म अपना। नेक्स्ट जो वर्ड है MAIM, यानी हम इसको प्रोनंशिएट करेंगे मैम, और इसका मतलब होता है अपंग कर देना। काफी बढ़िया वर्ड है। और हमने इसको याद कैसे किया, मैम से ही कर लिया। अब जैसे जो टीचर होती है हम उसको मैम भी कहते हैं, और एक जो हमारे वाइफ होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, मैम, मैडम भी कहते हैं। वाइफ भी नहीं होती तब भी जीएफ होती है तो उसको भी मैडम ही कहते हैं। तो उस मतलब मैम भी कहते हैं उसको। तो इसको उसी चीज से हम याद करने वाले हैं कि ज्यादा मैम के चक्करों में पड़ जाओगे तो भैया जिंदगी खराब हो जाएगी। तो वैसे ही हम करने वाले हैं, मैम के चक्कर में रहोगे तो अपंग हो जाओगे। तो अपंग अपंग हो जाओगे, अपंग हो जाओगे। क्लियर। तो यहाँ अपंग हो जाना भी, यहां पर आपका मीनिंग भी आ गया और मैम यहाँ पर इसकी की भी आ गई। क्लियर। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड था। सेकंड वर्ड के बाद हम चलते हैं अपने थर्ड वर्ड के पास, जिसका मतलब जो जिसको हम प्रोनंशिएट करेंगे फेस्टर। ओके, फेस्टर, इसका मतलब होता है स्थिति और बिगड़ जाना, स्थिति और यानी जो हालात है वो और ज्यादा बिगड़ जाना। ओके, फेस्टर को हमने याद किया फास्टर से, फेस्टर को हमने याद किया फास्टर से। फास्ट एंड फ्यूरियस वाली वो चीज याद आ रही है, वो काफी ज्यादा चीजें, वो गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलाते हैं, तो फास्टर, तो ये हो गया यहाँ पर फास्टर। क्या है फेस्टर, जिसका मतलब है स्थिति बिगड़ जाना, और हमने इसको याद किया फेस्टर से। ओके, अब बात करते हैं इसका, फास्टर से हमने याद किया, तो अब इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या होता है कि अगर हम फास्टर ज्यादा तेजी से खेलें, फास्टर खेलने के चक्कर में, या फास्टर खेलने से स्थिति और बिगड़ जाएगी, और बिगड़ जाएगी, तो आराम से खेलना है। क्लियर। यहाँ पे तो फास्टर हो गया यहाँ पे की, और स्थिति और बिगड़ जाएगी यहां से यहां तक होगी इसका मीनिंग। क्लियर यहाँ पे। और जो फोर्थ वर्ड है इसका मतलब, इसको प्रोनंशिएट करेंगे हम सर्क्यूटियस को, सर्क्यूटियस, सर्क्यूटियस, मैं कोशिश करता हूँ इसको लिखने की, सर्क्यूटियस, सर्क्यूटियस, हाँ सर्क्यूटियस। आई होप सो आप लोगों की चीजें समझ आ रही होंगी कि ये जो लिखाई है थोड़ी सी खराब है, बट पहले से काफी बेहतर होती जा रही है, बट जैसे जैसे टाइम हम इसके ऊपर बिताएंगे ये चीजें अच्छे हो जाएंगी। ओके, सर्क्यूटियस, सर्क्यूटियस का मतलब होता है घुमावदार, और हमने इसको याद किया इसी के मीनिंग से। सर्क्यूटियस को हम याद करेंगे सर्कस से। क्लियर, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं प्रोनंसिएशन सर्कस जैसी मिल रही है, तो सर्कस से हमने याद किया। ओके, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने सर्कस के अंदर, आपने, एक मिनट ये फिर से खराब हो गया, एक मिनट, ये बसता नहीं लास्ट में आते आते ऐसे क्यों जाते हैं। ओके, आपने सर्कस के अंदर देखा हो तो एक कुआं होता है, एक मौत का कुआं होता है। तो सर्कस में एक मौत का कुआं आपने देखा हो तो कैसा होता है, जिसके अंदर वो बाइक चलाते हैं, मौत का कुआं, मौत का कुआं कैसा होता है, वो जिसके अंदर बाइक चलाते हैं वो घुमावदार होता है। कैसा होता है, घुमावदार होता है। तो हाँ, यहां पर घुमावदार होता है। ओके, तो सर्कस यहां पर इसकी की भी आ गई, और घुमावदार यहां पे इसका
मीनिंग भी आ गया, सर्किटियस, जिसका मतलब होता है घुमावदार। हमने इसको याद किया सर्कस से। और जो इस वीडियो का लास्ट वर्ड है जिसका मतलब है मिरेकल, जो जिसको हम प्रोनाउंसिएट करेंगे मिरेकल, बोलते कैसे हैं इसको मिरेकल, इसका मतलब होता है चमत्कार। वैसे ये वर्ड आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि आपने वेलकम मूवी देखी हो तो उसके अंदर अक्षय कुमार चिल्लाते हैं ना, जब उनके मामा मामा श्री खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं ना मिरेकल मिरेकल, तो वो वाली चीज आती है चमत्कार चमत्कार। ऐसे एक्चुअल में वो मिरेकल कह रहे होते हैं, चमत्कार कह रहे होते हैं। तो मिरेकल को हम याद करेंगे फिर भी, अगर उनको बच्चों ने अगर वो मूवी नहीं देख रखी है तो होता है ना कि हमें वैसे याद नहीं करना, ये ट्रिक भी बता दीजिए सर, तो एक तरीके से एडिशनली ट्रिक भी समझ लो। तो मिरेकल को हम याद करेंगे हम मीरा कल यानी जो मीरा मीरा बाई है उसी से हम याद करेंगे मीरा कल। ओके मीर, इसका एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं फिर से यार, ये फिर से। मीरा मीरा कल से, मीरा कल से चमत्कार, मीरा कल से, अरे यार ये फिर चमत्कार गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट, एक गड़बड़ हो रही है। मीरा कल से चमत्कार कर रही है, कल से चमत्कार कर रही है, क्लियर यहाँ पे। तो मीरा कल यहाँ पर आ गया आपके सामने की, और चमत्कार यहाँ पर आ गया इसका मीनिंग। आई होप सो आप लोगों को पांचों वर्ड अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। डिन जी जिसको हमने याद किया डॉन जी से, जिसका मतलब होता है धुंधला, यानी डॉन जी ने बम फेंक कर सब धुआं धुआं कर दिया यानी धुंधला कर दिया। मैम मैम जिसका मतलब होता है अपंग करना, और हमने इसको मैम से याद किया, भैया मैम के चक्करों में रहोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम अपंग हो जाओगे, या कहें तो जिंदगी अपंग हो जाएगी मैम। आगे फिर हमने याद किया फेस्टर, फेस्टर यानी स्थिति और बिगड़ जाना। फास्टर भैया इसको हमने याद किया फास्टर से, यानी ज्यादा तेजी से खेलना, यानी फास्टर से खेलना, स्थिति और बिगड़ जाएगी तो आराम से खेलो, फूंक फूंक कर कदम रखो, क्लियर। सर्किटियस, सर्किटियस जिसका मतलब होता है घुमावदार, और इसको हमने याद किया सर्कस से। सर्कस में मौत का कुआं तो हर किसी ने देखा है, जिसके अंदर वो बाइक चलाते हैं वो कैसा होता है, वो घुमावदार होता है, क्लियर। फिर जो लास्ट वर्ड हमने किया मिरेकल, जिसका मतलब होता है चमत्कार, और एक जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया तो वो मूवी वेलकम से, जहां पर अक्षय कुमार चिल्लाते हैं मिरेकल मिरेकल, जिसका मतलब होता है चमत्कार। और दूसरा आपको एक अल्टरनेटिव मैंने एक और दे दिया कि आप उससे भी आप इसको कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर है कि मीराकल, मीराकल से क्या कर रही है, चमत्कार पे चमत्कार कर रही है, क्लियर। तो यहाँ पर हो गए आपके पांचों वर्ड खत्म। आई होप सो आप लोगों को ये पांचों वर्ड्स अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भाई साहब करो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत मिलता है यार इससे, सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। वैसे है अंदर से इच्छा होती है कि पढ़ाऊं मैं, लेकिन होता है ना कि सामने से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा जा रहा है, तो शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिनको भी वोकैब सीखनी है विद फन या फिर विद ट्रिक के साथ। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप लोगों को बहुत सारे लिंक मिलेंगे, आपको ट्विटर का भी मिल जाएगा, इंस्टा का भी मिल जाएगा, जो आपके काम के लिए भी हैं। और आपको वहां पर फेसबुक का ग्रुप और फेसबुक का लिंक, टेलीग्राम का जो ग्रुप बना रखा है सेल्फ स्टडी के नाम से, वो भी आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।